दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में पाए जाने वाले स्पिटिंग कोबराज के बारे में। दोस्तों हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्पिटिंग कोबरा है हरामखोर स्पिटिंग कोबरा। जी हाँ दोस्तों, हरामखोर स्पिटिंग कोबरा यह इंडिया के हर स्टेट में पाया जाता है और इसके मुंह से निकलने वाला जहर अपनी अपनी क्षमता के अनुसार या फिर इसे थूकने वाले के पिछवाड़े में जितना दम होता है उतना दूर तक वो उसे थूक सकता है। चलिए देखते हैं अब असली स्पिटिंग कोबराज के टाइप। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरी दुनिया में पाए जाने वाले स्पिटिंग कोबराज के बारे में। पूरी दुनिया में स्पिटिंग कोबराज की 15 स्पेसिस पाई जाती है, उनमें से 8 स्पेसिस अफ्रीका में और 7 स्पेसिस एशिया में पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन से स्पिटिंग कोबरा में कितना दम है। सबसे पहला है मोनोक्लेट स्पिटिंग कोबरा। इसे हमने सबसे पहला इसलिए रखा है क्योंकि यह हमारे भारत देश में पाया जाता है। इसे इंडियन स्पिटिंग कोबरा भी कहते हैं। दोस्तों मोनोक्लेट कोबरा के हुड पर ओ शेप मार्क होता है। इसके हुड के दोनों ओर निचली सतह पर काला धब्बा होता है और इसके पीछे पीठ पर एक या दो काले क्रॉस बार होते हैं। पीठ के बाकी हिस्से आमतौर पर पीठ के समान रंग के होते हैं। जैसे जैसे सांप की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये रंग फीका होता जाता है। दोस्तों मोनोक्लेट कोबरा के मुंह के अंदर नुकीले विष दंतों की जोड़ी होती है। आज तक सबसे लंबे विष दंतों की लंबाई 6.78 mm तक पाई गई है। यह स्नेक अपने विष दंतों से वेनम को स्पिट कर सकता है। इसके पास हाईली टॉक्सिन अल्फा न्यूरोटॉक्सिन और अल्फा कार्डियोटॉक्सिन होता है जो आंख में जाने पर आंखों को अंधा कर देता है और बॉडी में जाने पर शरीर को पैरालाइज कर देता है। चलिए जानते हैं अगले स्पिटिंग कोबरा के बारे में जिसका नाम है इंडो चाइनीज स्पिटिंग कोबरा। इसे थाई स्पिटिंग कोबरा या सियामी स्पिटिंग कोबरा भी कहा जाता है। यह साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। यह एक मीडियम साइज एलिपिड स्नेक है जो अधिकांश दूसरे कोबरास की तुलना में पतला होता है। इसका रंग ग्रे ब्राउन और ब्लैक या सफेद धब्बे या धारियों के साथ साथ परिवर्तनशील होता है। मध्य थाईलैंड में यह स्नेक ब्लैक और व्हाइट होते हैं जबकि अन्य जगहों पर ब्लैक और ब्राउन होते हैं। इसका हुड इरेगुलर होता है और कभी कभी वयस्क सांपों में हुड मार्क नहीं मिलते। इनकी लंबाई 3 से 4 फीट तक होती है और इनका वजन 1.5 से 2 किलो तक हो जाता है। दोस्तों इंडो चाइनीज कोबरा के पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक वेनम होता है जिसके कारण नेक्रोटाइजिन और टिश्यूज की डेथ हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कोबरा की ओर, फिलीपाइन स्पिटिंग कोबरा। इसे नॉर्थ फिलीपाइन कोबरा भी कहा जाता है। यह फिलीपाइन नॉर्दर्न रीजन में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यह एक मीडियम आकार के स्नेक है जिसके पास लंबी सर्विकल लिम्स होने के कारण यह अपने हुड को सीधा ही फैला सकते हैं। इसकी एवरेज लेंथ 3.5 फीट तक होती है लेकिन अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार 5.2 फीट का सबसे बड़ा फिलीपाइन कोबरा देखा गया है। इसका सर अंडाकार होता है और गर्दन से थोड़ा अलग दिखता है। दोस्तों फिलीपाइन स्पिटिंग कोबरा छोटे स्तनधारी प्राणी मेंढक और दूसरे सांपों को भी खा जाते हैं। इसके पास भी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन होता है जिसके कारण शिकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम बंद हो जाता है। यह अपने वेनम को 3 मीटर दूर तक यानी आप यकीन नहीं करोगे लगभग 10 फीट तक दूर स्पिट कर सकता है। हमारी लिस्ट में चौथा कोबरा है जावान स्पिटिंग कोबरा। इसे इंडोनेशियन कोबरा भी कहा जाता है। यह कोबरा जावा, बाली, लैम्बॉक, सांबावा, फ्लोरेस, कोमोडो और लेजर सुंडा आइसलैंड में पाया जाता है। इसका शरीर कॉम्प्रेस्ड और सिलेंड्रिकल होता है। जावान स्पिटिंग कोबरा अडल्ट स्नेक की लंबाई 4.5 फीट तक होती है लेकिन यह 6 फीट तक लंबे भी हो सकते हैं। इनका शरीर इलेप्टिकल और गर्दन से स्लाइटली डिफरेंट होता है। जावान स्पिटिंग कोबरा के डॉर्सल स्केल स्मूथ और गिनती में 19 से 25 तक हो सकते हैं। वयस्क जावान स्पिटिंग कोबराज के कलर ब्राउन, ब्लैकिश और येलोइश होते हैं जबकि यंग कोबराज के थ्रोट पर बैंड्स और स्पॉट्स होते हैं। मैक्सिमम जावान कोबराज के हुड पर मार्क नहीं होते लेकिन जब किसी जावान कोबरा के हुड पर मार्क दिखाई देते हैं तो वो शेवरॉन शेप के होते हैं। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है समर कोबरा। दोस्तों समर कोबरा को पीटर कोबरा या दक्षिणी फिलीपाइन कोबरा भी कहा जाता है। यह स्नेक फिलीपाइन के वाइसास एंड मिंडोनाओ आइसलैंड में पाया जाता है। समर कोबरा एक स्पिटिंग कोबरा है जो 1.4 मीटर तक बढ़ सकता है। यह एक हाईली वेनमस स्नेक स्पेसिस है जो किसी भी आम इंसान को एक ही बाइट में मौत के घाट उतार सकता है। इसका कलर ब्लैक एंड येलो टू ग्रीन होता है। इसके हुड के पास 17 से 25 स्केल्स की रो होती है। यह एक ओविपरस स्नेक है जो 8 अंडे दे सकता है और वे मानव बस्तियों के काफी करीब रह सकते हैं। समर कोबराज रैट, फ्रॉग और माइस खाते हैं। इनके खाने का मुख्य स्रोत चावल की खेती और मानवीय बस्तियां होती है। इसका मतलब वो चावल नहीं खाते, इसका मतलब वह चावल की खेती में पाए जाने वाले चूहे खाते हैं। इसीलिए यह हमेशा इंसानों के संपर्क में आ जाते हैं। दोस्तों हमारी लिस्ट में 6वें नंबर पर है इक्वेटोरियल स्पिटिंग कोबरा। इसे ब्लैक स्पिटिंग कोबरा, मलायन स्पिटिंग कोबरा, गोल्डन स्पिटिंग कोबरा और सुमात्रा स्पिटिंग कोबरा भी कहा जाता है। यह एक जहरीला स्पिटिंग कोबरा है जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है।
यह मीडियम साइज का कोबरा होता है जिसकी लंबाई 0.9 से लेकर 1.2 मीटर तक होती है, यानी 3 to 3.9 फीट तक होती है। इसकी बॉडी कॉम्प्रेस्ड और सब सिमेट्रिकल होती है। इसकी आंखें मीडियम साइज की होती है। डॉर्सल स्केल्स स्मूथ और स्ट्रॉन्गली ऑब्लिक होते हैं। दोस्तों, इक्वेटोरियल स्पिटिंग कोबरा के हुड पर कोई भी मार्क नहीं होता। इस कोबरा के रंग जियोग्राफी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। इसमें एक येलो कलर का कोबरा थाईलैंड में पाया जाता है और एक ब्लैक कलर का मलेशिया सिंगापुर में पाया जाता है। इस कोबरा के छोटे और वयस्कों के कलर में भी डिफरेंस होता है। दोस्तों, इसके पास पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है जिसके अंदर कार्डियोटॉक्सिन और साइटोटॉक्सिन होता है। चलिए मिलते हैं हमारे सबसे आखिरी वाले स्पिटिंग कोबरा से, मंदाले स्पिटिंग कोबरा। दोस्तों, इसे बर्मी स्पिटिंग कोबरा भी कहा जाता है। ये बहुत ही अलर्ट और डिफेंसिव नेचर के होते हैं। खतरा महसूस होते ही तुरंत हुड फैला लेते हैं। दूसरे कोबराज की तरह यह भी मीडियम साइज के होते हैं। बॉडी कॉम्प्रेस और स्केल स्मूथली स्ट्रॉन्ग ऑब्लिक होती है। आंखों की साइज मॉडरेट और प्यूपिल्स राउंड होते हैं। इनके बॉडी का कलर येलोइश ब्राउन टू डल ब्राउन होता है और इनका पेट ब्लैक स्पॉट के साथ साथ येलो भी होता है। दोस्तों, मंडाले स्पिटिंग कोबरा म्यांमार के सेंट्रल ड्राई जोन में पाया जाता है। इसके पास पाए जाने वाले वेनम का किसी को कोई भी पता नहीं है। यह बस एक स्पिटिंग कोबरा है, यह सोच के इसके पास साइटोटॉक्सिन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक प्रॉपर्टीज है, ऐसा अंदाजा साइंटिस्ट लगा रहे हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बचे हुए 8 स्पिटिंग कोबराज जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।